नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं शिवांगी। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विवाद में चले लाठी डंडे, माँ बेटी सहित पांच घायल। सुल्तानपुर क्षेत्र के बालमपुर गांव में बुधवार को सुबह पुआल रखने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमे एक पक्ष के माँ बेटी सहित पांच लोग हुए घायल। थाना देहात कोतवाली हनुमानगंज के अंतर्गत बालमपुर गांव का मामला सामने आया है। उसी गांव के दबंग लोगों ने मिलकर महिला को बुरी तरह से पीटा। महिला का फटा सिर बालमपुर ग्राम निवासी राम कुमार और रामचंद्र के घर के सामने खाली जमीन है। उसी जमीन का पुआल रखने को लेकर हुआ विवाद, जबकि उसी गाँव के इमाद उल हसन और उनके परिवार वालों ने मिलकर रामचंद्र के घर में घुसकर मारा पीटा, जिसका वीडियो भी बना है। रात को लगभग 11 बजे रखे पुआल में आग लगा दिया, जबकि जिस जमीन के लिए दोनों पक्षों में लड़ रहे हैं वह जमीन किसी की नहीं है। वह जमीन स्कूल और खेल मैदान के खाते में दर्ज है और उसी जमीन को इमाद उल हसन कहते हैं, यह हमारे खाते की जमीन है। लेकिन इंडिया आज तक के द्वारा पूछताछ प्रधान और गांव वालों से किया गया तो सच्चाई सामने आई। वह जमीन सरकारी है। पीड़ित महिला उनके घर वाले न्याय के लिए दर दर लगा रहे हैं गुहार। सुल्तानपुर एसपी को दिए विपक्ष के खिलाफ तहरीर। सुल्तानपुर एसपी आदेश द्वारा मुकदमा दर्ज करने को कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। संवाददाता राम कुमार के साथ राम मूर्ति वर्मा की रिपोर्ट। बहन जी, आपका नाम क्या है? गांव कौन सा है? थाना कौन सा लगता है? थाना जी जी। क्या मामला है? हमारा मामला यही है भैया कि हम खेल कूद मैदान है, उसमें हम पैरट रहे हैं सुबह बाल लेंगे जी। तो आए कहें कि कौन आया? इमादुल गुड्डू। कहाँ के हैं? गाँव बालमपुर। यहाँ से कितनी दूरी होगी? उनके यहाँ 10-15 कदम दूर है ये गांव। जी जी, दूर है। हाँ, दूर जी। तो ये आए धमकिया लागे, कहें कि कौन ये साल फोसड़ी वाला पैरा धरे बाओ कम मादा से गाड़ी वाड़ी दिए लागे जी। तो हम घरे में रहे तो घर से निकले, तुरंत आई की मारे लागे जी। लाठी डंडा साथ आ रहे हैं, अंदर काव ले रहे हैं, कहीं का मत डावा खत्म कर दे भाई। असर हमारे देखा इतना मारे नहीं गिर जाए के खूब मारे यहाँ। और लड़की गई ऊपर ऊपर दूर लौड़ा, तीन चार उठ बैठे हैं, ऊपर झोटी गली में पकड़ घेरावे लागे हैं। और ऊपर सीना उना खूब चढ़ के घूमते हैं। और हमारे घर वाले सब दौड़े हैं, जैसे दौरान जेठाने हैं, सब लड़की हैं, सब मारे हैं, क्योंकि बाकी घर आए हैं। आतंक बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आई थी 15 दिन में। आप इनके खिलाफ कहीं तहरीर दी? इनके खिलाफ हाँ। कहाँ गई? थाना गई थी, थाना मारी सुनवाई नहीं हुई थी। और दरोगा जी बोले थे आएंगे तो एप्लीकेशन लिखा गया, दो रोज बैठे वहाँ जाएंगे समझा होगा। दो तीन दिन पे आए। इसका मतलब 191 आप दोनों का चलान कर दिए? हाँ। तो आए तो फिर बोले लागे घर आए तो फिर भी इनके फिर ना सुनवाई भाई जी। तो फिर दूसरे रोज फिर रात में दंगा करे नहीं जी। रात में आए नहीं, मुँह बांध बनाए हैं और घर में घुस गए नहीं। घर में समाए साथ देखी नहीं तो तुरंत भाग नहीं, गन पर आग लगा के भाग गए नहीं, बगल गन्ना गलन में घुस गए। आप इनके खिलाफ कहीं शिकायत किए कि नहीं? शिकायत किए हैं। कहाँ पर? थाना हनुमानगंज। तो हमारी गाँव अब बताइए। हाँ भैया, गए हैं हम थाना में जी। हनुमानगंज सुनवाई हमारी नहीं हुआ तो हम गए सुल्तानपुर जी। ये सीखिया जी। हाँ, ये सीखिया गए तो वहाँ हमारा सुनवाई हुआ जी। हाँ, तो फिर हाँ फाइया लिखा गया, फिर 151 चालान